Was ist das? 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 Was जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लाईज पिछले 133 दिनों से लगातार एहतजाज कर रहे हैं और ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वादी कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स थमने का नाम नहीं ले रही। बहुत सारे एम्प्लाईज की टारगेटेड किलिंग्स की गई, जिसके बाद लगातार ये लोग मांग कर रहे थे कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, हमें ट्रांसफर किया जाए ताकि हम सिक्योर फील कर सकें। हाल ही में एक आर्डर भी जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आप अपनी ड्यूटीज वापस ज्वाइन कर लो, क्योंकि इनकी सैलरीज भी बंद हैं। और आज पहले पनामा चौक में एहतजाज कर रहे थे, आज ये एहतजाज जो है वो प्रेस क्लब जम्मू के बाहर आ पहुंचा है। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों जम्मू कश्मीर इंतजामिया इनकी मांगों की ओर तवज्जो नहीं दे रही, तो जो कि टाइम बाउंड मैनर में हमारे लिए एक रिपोर्ट सबमिट करवाएगी, जिसके बेसिस पर हमारी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन बहुत ही मैं कहती हूँ खेद से कहना पड़ता है कि उस कमेटी की ढाई महीने से एक भी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई। एलजी साहब ने माना है कि इनकी उनकी वर्डिंग है ये, एलजी साहब की खुद की, जब हमारी डेलीगेशन एलजी साहब से मिलने गई थी, एलजी साहब ने हमें वहाँ पानी के लिए पूछा, मिठाई तक खिलाई, और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी जो ये डिमांड है बहुत जेन्युइन डिमांड है, आप मुलाजमों ने बहुत लंबे लंबे अरसे आपने वहाँ ड्यूटी दी है, तो आज आप अगर एक डिमांड कर रहे हो तो बहुत जेन्युइन डिमांड है और हमारी डिमांड को कंसीडर किया, इसीलिए कमेटी बनाई गई। लेकिन क्या वो कमेटी, मुझे लगता है कि 16 साल तो हमने वहां दे दिए, अब और आगे 16 साल लेना चाहती है हमारी ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के लिए। तो हम बार बार सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं, एलजी साहब से यही गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारे लिए जल्दी से जल्दी एक सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाएं। देखिए सर, अगर हमारे लिए ये ट्रांसफर पॉलिसी बनती है तो इस ट्रांसफर पॉलिसी का फायदा मैं आपको सीधे सीधे कह देती हूँ कि हम इन 3,500 मुलाजमों को नहीं होगा, सिर्फ हमारी इस ट्रांसफर पॉलिसी ये जो है ये हर उस नागरिक के लिए, हर उस एम्प्लॉय के लिए काम करेगी जो अपने घर से दूर है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो अपने घर से दूर है, वो मुलाजम जो कश्मीर में बैठे हैं, मुस्लिम हमारे भाई बहन भाई हैं जो कि जम्मू में पिछले 16 साल से ड्यूटी दे रहे हैं, ये ट्रांसफर पॉलिसी उनके लिए भी काम करेगी। ये ट्रांसफर पॉलिसी वो हमारे मुलाजम जो कि डोडा से जम्मू में है, जो जम्मू से डोडा में है, ये उनके लिए भी काम करेगी। वो हमारे मुलाजम जो कठुआ से जम्मू में है, जम्मू से कठुआ में है, ये ट्रांसफर पॉलिसी उनके लिए भी काम करेगी। कोई ये ना सोचे कि इसमें सिर्फ ये पर्टिकुलरली कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी के मुलाजम है, तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ, इसमें हर कैटेगरी है, इसमें जनरल वाले भी हैं, ओपन वाले भी हैं, और ये ट्रांसफर पॉलिसी हर मुलाजम के लिए काम करेगी। और ये एक बहुत ही सरकार का एक हिस्टोरिकल, मैं कहती हूँ ऐतिहासिक फैसला होगा, इतिहास में ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, ट्रांसफर पॉलिसी का ये जो निर्णय है सरकार का, ये इतिहास में सुनहरे अक्षरों में जम्मू कश्मीर के इतिहास में लिखा जाएगा। और लेकिन वो कहते हैं ना कि जितने भी ऐतिहासिक फैसले जब होते हैं, किसी ना किसी की शहादतें जरूर लगती हैं, शहादतें लगती हैं, कुर्बानियां लगती हैं, तो फिर ही ऐतिहासिक फैसले होते हैं। तो हम एलजी साहब से बार बार हाथ जोड़ के ये गुहार लगा रहे हैं कि बहुत सारी कुर्बानियां लग चुकी हैं, पीछे बैनर आप देख लो, हमारी इस बहन रजनी बाला को देख लो, सबसे बड़ी कुर्बानी हमारी बहन रजनी बाला ने दी है। अब तो इसकी शहादत के बाद एक ऐतिहासिक फैसला जो है उसका निर्णय ले और उसका ऐलान करे और हमारी ट्रांसफर पॉलिसी जल्दी से जल्दी लागू करें। देखिए सर, हम कश्मीर में 2006 में एक स्पेशल पैकेज के तहत कश्मीर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारी अपनी सेवाएं प्रदान करने गए थे। हमारे मुलाजमों ने फार फ्लंग एरियाज में भी जाकर ड्यूटी दी, हमारे मुलाजमों ने टंगदार मछेल किटवाल जैसे इलाकों में भी ड्यूटी दी, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें सेफर जोन में भेजा जाए, कभी उन्होंने किसी चीज की डिमांड नहीं की। मैं कहती हूँ आप एक मुलाजम को अपने घर से कितनी दूर रखोगे, कितनी देर रखोगे,
वो इंसान, कोई भी इंसान, वो पूरी दुनिया घूम के वापस अपने घर आता है। मैं कहती हूँ अगर आप सेना में जो जवान भर्ती होते हैं ना, अगर कोई जवान कश्मीर का कन्याकुमारी जाता है तो वो ये सोच के जाता है, खुशी खुशी जाता है कि मेरी एक दिन घर को वापसी होगी। अगर उनको ये कह दिया जाए कि पूरी जिंदगी आपको कन्याकुमारी में ही रहना है तो वो कभी नहीं जाएगा। तो मैं कहती हूँ अगर हमें भी इस चीज का पता होता उस समय की सरकार ने जो गलती की, उसने जो ये ट्रांसफर पॉलिसी का ये जो क्लास है ये साइलेंट रखा, उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। उन्होंने हमें इंप्लॉयमेंट तो हमारे लिए क्रिएट की लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी जो थी वो हमारे लिए नहीं बनाई। तो हम सरकार को बार बार ये कहते हैं उस गलती को दुरुस्त किया जाए और हमारे लिए जल्दी से जल्दी एक सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाए। उस ट्रांसफर पॉलिसी में मिनिमम जो टाइम पीरियड है 5 और 7 साल के बीच का होना चाहिए और उसके बाद हमारी घरों को वापसी होनी चाहिए। और जो मुलाजम हमारे पीछे बच जाएंगे, क्योंकि कुछ मुलाजमों को अभी 1 साल हुआ वहां ज्वाइन के, कईयों को 2 महीने हुआ है, उन मुलाजमों के लिए वहां सिक्योरिटी और अकोमोडेशन का बंदोबस्त किया जाए। क्योंकि हम ना तो पीएम पैकेज की जो पॉलिसी थी उसके हिस्सेदार है, ना ही हम सरकार की किसी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के हिस्सेदार हैं। हम डोगरा मुलाजम है जो कश्मीर में एक इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत 2006 में सर्विस करने गए थे। तो आज हम सरकार से बार बार कहते हैं कि हमें इंटर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रांसफर पॉलिसी का जो अमेंडमेंट है वो हमारे लिए एक क्लास जो है वो साइन किया जाए, ताकि हमारी भी हमारे घरों में वापसी हो सके। हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, हम किसी की बहुएं हैं, यहाँ किसी के बेटे हैं, किसी की बेटियां हैं, हम एक भी जिम्मेदारी अपनी निभा नहीं पा रहे हैं। हम, मैं कहती हूँ कि हम अपने पेरेंट्स होने की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे पिछले 4 महीने से खज्जल हैं। इन बच्चों की माँ को कौन सी जरूरत पड़ी है यहाँ धूप में बैठने की? 134 दिनों से इन्होंने अपने स्कूल को, बच्चों के स्कूल को बंद करके यहाँ धरना प्रदर्शन में बिठाया हुआ है, क्योंकि कारण बहुत बड़ा है कि इस समय वहाँ परिस्थिति जो है वो बिल्कुल हमारे अगेंस्ट है, टारगेट किटी का माहौल है। हम जिन किराए के घरों में वहाँ रहते थे वो लोग गरीब है, जिनके घरों में हम रहते हैं गरीब है, तभी उन्होंने हमें अपने घरों में शरण दी। अगर वो अमीर होते तो हमें अपने घरों में नहीं रखते किसी बाहर के लोगों को, तो इसीलिए वो लोग हमें प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। जब हमारी सरकार, हमारे लोग हमें प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी हमें प्रोटेक्शन कैसे देगी? इसीलिए वो लोग डरे हुए हैं जिनके घरों में हम किराए पे रहते हैं। आज की डेट में हमें बता दिया जाए अगर हमारा एक भी मुलाजम है, 3,500 मुलाजम, एक मुलाजम भी नहीं है जिसको सरकारी अकोमोडेशन है, जिसको सेफर जोन है, जिसको सिक्योरिटी है, मैं कहती हूँ जिनको सिक्योरिटी है, जिनको सेफर जोन है, जिनको अकोमोडेशन है, वो भी जाने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें किस भरोसे के साथ सरकार भेज रही है? कोई भरोसा तो दे, हम खुद ड्यूटी देना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं, लेकिन किस भरोसे से जाए? सरकार कोई आश्वासन दे, आश्वासन से आज काम नहीं चलेगा। आश्वासन हम पिछले 4 महीने से ले रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। आज हमें सरकार का आश्वासन जो है वो उसका रिटर्न नोटिफिकेशन चाहिए, रिटर्न नोटिफिकेशन में हमें आश्वासन दिया जाए। और हमारे 3,500, मैं कहती हूँ एलजी मनोहर सिन्हा, माननीय हमारे जो मनोहर सिन्हा जी हैं उनके ऊपर पूरे जम्मू कश्मीर इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी है, क्या वो 3,500 मुलाजमों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? ये कौन सा बड़ा मसला है? 3,500 मुलाजम या मुठ्ठीभर मुलाजम है जिनकी जिम्मेदारी मनोहर सिन्हा जी को, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लेनी है, वो ले सकते हैं, वो ले, लेकिन आश्वासन न दे, रिटर्न में हमारे लिए नोटिफिकेशन दे के आश्वासन दे, तो हम तैयार हैं, हम आज ये जाने के लिए तैयार हैं। हमारे लिविंग ऑर्डर ना निकाले, हमारे लिए बायोमेट्रिक, ये सरकार हमें हरास करने की कोशिश कर रही है, हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हरासमेंट किया जा रहा है, तो ये हरासमेंट हमारी नहीं होनी चाहिए। तो हम यही कहते हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी जो फैसला है, हम डोगरा इंप्लॉयज के हित में होना चाहिए, हमारा डोगरा समाज पूरे का पूरा हमारे साथ शाना बिशाना खड़ा है। तो मैं बार बार सरकार को कह रही हूँ कि सरकार इन मुलाजमों को सिर्फ 3 या 3,500 मुलाजम ना समझे, इनके साथ इनके परिवार है, इनके रिश्तेदार है, इनके साथ पूरा डोगरा समाज खड़ा है। इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी इस पर सीरियसली सोचना होगा और डिसीजन लेना होगा, जल्दी से जल्दी लेना होगा। शुक्रिया। देखिए आप देख रहे हैं पूरे 133 दिन आज हो चुके हैं, लगातार धरना चल रहा है। मैं इतनी बात कहता हूँ कम से कम अगर धरने का संज्ञान सरकार प्रशासन ले, हम प्रशासन का हिस्सा हैं, हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी चिंताएं जो हैं ये हैं कि आज के इन कर्मचारियों के पास किसी के पास भी कश्मीर में जो है वो सेफ और सिक्योर अकोमोडेशन है ही नहीं, सब जो है रेंटल अकोमोडेशन में रहते हैं। और इस स्थिति में
इनको फोर्स करना कि आप ड्यूटी रिज्यूम करें, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके अंदर विश्वास पैदा नहीं करेगा। और सबसे बड़ी जरूरी है कि इन कर्मचारियों के अंदर विश्वास पैदा किया जाए, और विश्वास तभी पैदा होगा जब इनके लिए सरकार ट्रांसफर पॉलिसी की नोटिफिकेशन निकालेगी। हम इंतजार कर रहे हैं कि इस दीपावली तक सरकार नोटिफिकेशन निकाले और इन तमाम कर्मचारियों जिसे जिनको पिछले 15 सालों से एक वनवास की जिंदगी गुजार रहे हैं, इनका वनवास इस दीपावली पर समाप्त होगा, हमें ये पूरी आशा और उम्मीद है। साफ तौर पर आपने सुना कि इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक हमारी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाई जाती तब तक हम वादी कश्मीर में ड्यूटीज के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ ये वादा किया था, ये यकीन दहानी करवाई थी कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक जो कमेटी बनाई गई थी उसका भी कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, ना ही हमारी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई, लिहाजा हम अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे और ना ही हम तब तक वादी कश्मीर में ड्यूटी देने के लिए जाएंगे जब तक हमारी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाई जाती। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या एलजी इंतजाम के बाद इनकी ट्रांसफर पॉलिसी पर सकती है या नहीं। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरर टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।